नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 7 सितंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, कुछ खास विशेष उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चीज़ें चल रही हैं चलती रहेंगी। प्रोफेशनली ऑल्सो अगर मैं देखूं, आपके लिए कुछ खास चीज़ें इंडिकेटेड नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को आप एड्रेस करिए। और अगर आपको चाहिए कि आपको एक बेहतर प्लान ऑफ एक्शन आप बना सकते हैं, तो सिचुएशंस पे काम करना कि आपको पूरी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे भी आज के दिन काम कर सकते हैं। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा एलिवेट कर सकता है, वो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पूर्णता आपके लिए कोई ना कोई शुभता, शुभ संकेत, पॉजिटिविटी कार्यक्षेत्र के संदर्भ में लेकर आ सकता है, जहां से आप अगर उस स्टेप को, उस इन्फॉर्मेशन को, सूचना को, संकेत को ग्रहण करते हैं तो ओवरऑल आपकी परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक या प्रभावशाली कार्यक्षेत्र में सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग बाहर सेटल होने के इच्छुक थे या कार्यक्षेत्र में विस्तार, एक्सपेंशन या एट द सेम टाइम चेंज करने की या कुछ चेंज लाने की सोच रहे थे, तो वो परिस्थिति अब उनके लिए अनुकूलतम साबित होगी। कुल मिला के आपके लिए चीज़ें बेहतरीन साबित होंगी, मन आपका शांत रहेगा, साथ ही साथ लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको अवसाद, चिंता, एंजाइटी सता तो सकती है, लेकिन अगर आप उसकी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तविकता में ये चीज़ें इतनी बुरी या इतनी नेगेटिव हैं भी नहीं जितना आपने सोच सोच के या ओवर स्ट्रेस होकर चीज़ों को ले लिया है। साथ ही साथ आज के दिन ज़रूरत है आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठकर अपने स्ट्रेस को साझा करें, बातचीत को आप संतुलन में लाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पर नियंत्रण रखें, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर काम करें, जिससे कि ओवरऑल स्टेबिलिटी या इंप्रूवमेंट आपको अपनी चीज़ों में देखने को मिल पाए। अगर आपको लगता है कि परिवार के साथ बिताया गया समय आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को या आपकी चीज़ों में जो असंतुलन आया है उसको बैलेंस कर सकता है, तो आज के दिन आप वो स्टेप भी ले सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिचुएशन लेकर आ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव, स्ट्रेस भी अब साझा होते हुए नजर आएगा। कुल मिला के ये सिचुएशन अवस्था काफ़ी सही है, जो आपकी सिचुएशंस को काफ़ी प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल में या नियंत्रण में ले सकती है। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशंस आपके फेवर में और आएँ, तो आपको एक लंबे समय में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उस पर काम करके आगे बढ़ने की जरूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। सिचुएशंस जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको सब तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में हो, जहां आपका डेवलप हो रहा हो, विचारधाराएं नई पनप रही हों, या कार्यक्षेत्र में स्थिरता के संदर्भ में, दोनों ही तरफ आप बहुत अच्छा एक लाभदायक संतुलन या पॉजिटिविटी बना सकेंगे और उस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्ण स्थिरता या पूर्णता देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ लंबे समय से चल रही कोई बीमारी से भी आज के दिन निजात या माइलस्टोन टच कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस करिए, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए, अपने वातावरण से हटाइए और इसकी शुरुआत आप दिन से ही कर सकते हैं। दिन की शुरुआत आप अच्छे मेडिटेशन से, किसी एक स्पिरिचुअल चैंटिंग से कर सकते हैं, रिलैक्सेशन म्यूजिक से कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके दिमाग को शांत करे। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास करने को तो आप एक छोटी सी वॉक भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन की शुरुआत अगर आपकी बैलेंस्ड अप्रोच से होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई लीगल तनाव भी अब सेटलमेंट के दायरे में आता हुआ नजर आएगा। आपको कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या लीगली कोई एक एस्पेक्ट मिल सकता है जिस पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी परिस्थिति और महत्वपूर्ण या प्रभावशाली होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करनी है। आज का दिन आपके मन को और अपनी विचारधाराओं को प्रबलतम तरीके से और स्ट्रॉन्गेस्ट शिखर पर लेकर जाइए। अगर आपको लगता है कार्यक्षेत्र में इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको अपने स्किल सेट को भी डेवलप करना है, तो आज के दिन आपके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी। अगर आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो आपकी सिचुएशंस और प्रभावशाली हो सकती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ पारिवारिक तनाव भी अब स्थिरता पकड़ता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिविटी आपको सब तरफ से देखने को मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं, खासतौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान। तो फर्स्ट हाफ के दौरान आपको स्थिरता या पूर्ण स्थिरता पाने के लिए, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, बाह्य जगत में अगर मैं देखूं जितने स्ट्रेस फैक्टर्स हैं उसको आपको अलग करना पड़ेगा। आज के दिन अपने स्वास्थ्य पर, अपनी परिस्थितियों पर, अपनी निजी अवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ दिन की शुरुआत ठंडे दिमाग से करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सूझबूझ के विचार करके परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए। आपकी सिचुएशंस आपके लिए और ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए बिजनेस रिलेशनशिप्स, नए एसोसिएशंस, या अगर आपका कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का मन है, यानी कि नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, कुछ नए आप अपनी परिस्थिति पर काम कर रहे हैं, कोई नई रणनीति पर डेवलप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज का दिन अनुकूलतम परिस्थिति अवस्थाएँ लेकर आएंगी। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हो सकता है, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको आज के दिन शांति मिलती रहेगी, यानी कि सुख आपको मिलेगा, यानी कि आपके संतान की तरफ से आपको कोई गिफ्ट या परिस्थिति या कुछ ऐसी एक अनुभूति हो सकती है जो आपके मन को और शांत करते हुए जाए। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, अगर छोटे छोटे तनाव आपके परिवार के साथ होते रहते हैं, आपका आपके परिवार के साथ अगर कोई तनाव भी चल रहा है तो वो भी अब स्थिरता पकड़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के मन शांत रहेगा, सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव तरीके से अध्ययन ग्रहण कर सकते हैं, मन को, विचारधाराओं को प्रबलतम तरीके से एकत्रित करते हुए अपने गोल या लक्ष्य की तरफ बढ़ें, जिससे कि आपकी परिस्थिति आपके आपके कंट्रोल में आ सके। साथ ही साथ उन सभी नेगेटिव विचारों को अपने जीवन से निकाल दीजिए कि अब आपको लगता है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, आज के दिन आपकी परिस्थिति नए एक दायरे में आ चुकी है। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए और आगे चलते चलिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, परिस्थितियां आपके फेवर में है, सामान्यता दिन जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी को एम्ब्रेस करिए, पॉजिटिव मन को बनाकर रखिए, संतुलित आहार और व्यवहार रखिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, कुछ खास चिंता का भी आज के दिन नहीं है। खानपान पे नियंत्रण रखते हुए आज के दिन नई जीवन शैली पे भी काम कर सकते हैं, जो सब तरह से पॉजिटिविटी या आपके लिए शुभता, शुभ संकेत या शुभ इंडिकेशंस लेकर आ सकती है। साथ ही साथ आज के दिन ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, वो आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को और बैलेंस करके जा सकती है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन शुभता, शुभ संकेत, पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में स्थिरता के रूप में देखने को मिलेगी। प्रोफेशनली आपका कहीं से प्रमोशन हो सकता है, आपका रिकग्निशन हो सकता है, सामाजिक साख प्रतिष्ठा या कार्यक्षेत्र या सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा सटीक और सबल रहेंगे और सटीक राय भी देते हुए नज़र आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मबल, मनोबल भी बढ़ा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रहण भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसका निर्वाह भी कर पाएंगे। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में नए टास्क को लेना, नई परिस्थितियों के और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके साथ विक्टोरियस होना आज के दिन आपके लिए इंडिकेटेड है। कुल मिला के आज का दिन कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्थिरता का सबब लेकर आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैच करना वो आज के दिन आपके ऊपर निर्भर रहेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।